सो गाइस अगर आपने फ्लोकिनो को होल्ड कर रखा है तो ये न्यूज तो जरूर आपके कानों में पड़ी होगी कि बाइनेंस में लिस्टिंग होने की थोड़ी सी आशंकाएं हैं। और क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या सच में बाइनेंस में लिस्टिंग इस कॉइन की पॉसिबल है? जो कॉइन का मार्केट कैप भी 790 मिलियन का है, वो कॉइन इतना पिछड़ा क्यों है कि कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, बड़े एक्सचेंजेस में अभी तक लिस्ट नहीं है, यूओबी ग्लोबल और गेटायो के अलावा। हर चीज के ऊपर बात करेंगे, तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इसे बेस्ट वीडियोस मैं दे देता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले फ्लोकिनो कॉइन के बारे में। जो कॉइन 790 मिलियन का मार्केट कैप रख रहा है और ऑलमोस्ट 390,000 से ज्यादा होल्डर्स बनाए रखा हुआ है और काफी ज्यादा अच्छी ट्विटर पे फैन फॉलोइंग है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है उसके, कि शिबा इनू लिस्ट हो रहा है, बेबी डॉज और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बट ये कॉइन जो 2 पैसा टच कर गया है वो ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। और दूसरी तरफ इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 38,900% का अभी तक प्रॉफिट दिया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो ये कॉइन में ऐसा क्या है जो बाइनेंस में या फिर थोड़े बड़े एक्सचेंजेस में इसको लिस्टिंग में इतनी प्रॉब्लम जा रही है? देखिए, अभी के टाइम पे ऐसा कुछ हलचल चल रहा है कि फ्लोकिनो ने एक पेटेंशन बना दिया है change.org में, जहां पर आप जाके साइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बाइनेंस में फ्लोकिनो की लिस्टिंग हो जाए, अपनी कम्युनिटी की पावर दिखाने के लिए। तो ये चीज सिर्फ इतना दर्शा रही है कि भाई फ्लोकिनो काफी दिन से लगा हुआ है बाइनेंस में लिस्टिंग के लिए, बट कहीं ना कहीं बाइनेंस भी थोड़ी पॉपुलैरिटी पे जाता है और कहीं ना कहीं कॉइन का यूज केस भी देखता है कि सच में है क्या वो लिस्ट करने लायक, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबकी कि आपका पैसा सेफ रहे। अब यहां पर जो पेटेंशन है वो साइन की है, ऑलमोस्ट 35,000 सिग्नेचर होने चाहिए और अभी तक, मतलब कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 28,000 सिग्नेचर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज पार हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। तो बाइनेंस तक क्या ये चीज पहुंचेगी? सबसे पहली चीज कि शिबा इनू जहां पर लिस्ट हो गया और उसके जैसे कई कॉइन जो है बाइनेंस में लिस्ट हो रहे हैं, बट फ्लोकिनो जो कि ऑलमोस्ट 38,000 तक का आरओआई दे चुका है, वो कॉइन इतना स्लो क्यों चल रहा है? अब इतनी चीज आप समझ लीजिए कि क्रिप्टो के मार्केट में कंपटीशन सबसे ज्यादा पड़ी हुई है, ढेरों कॉइन डेली के लॉन्च हो रहे हैं और वहां पर हमको दिखाना पड़ता है ट्रस्ट, यूज केस, फंडामेंटल कि भाई फ्यूचर क्या है, हम क्यों इन्वेस्ट करें। अब इस जगह पर जहां शिबा इनू बर्न पोर्टल ला देता है, शिबा स्वैप ला देता है और ढेरों बोनलेस वाले टोकन्स ला देता है, डेली की कोई नई अपडेट आ रही है, बाइनेंस कार्ड में ऐड हो जाना, किसी कंट्री में अलॉटमेंट कर देना, कहीं पे एडवर्टीजमेंट करने लगना, वहां पर ये कॉइन थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, टीम थोड़ी सी स्लो है। बेशक कॉइन अभी तक बोल सकते हैं ट्रस्टेड है क्योंकि काफी दिनों और काफी पुराना कॉइन है, बट कहीं ना कहीं जिस स्पीड से बाकी कॉइन वर्क कर रहे हैं, जिस हिसाब से एक मीम टोकन बेबी डॉज वर्क कर रहा है जो कि एनएफटी में, मेटावर्स में बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर जो फ्लोकिनो है वो थोड़ा सा स्लो है। अभी के टाइम पे जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पेटेंशन से सिर्फ बाइनेंस लिस्ट कर देगा, तो अभी भी दिल्ली बहुत दूर होने वाली है क्योंकि इसके बाद भी समय लगेगा, क्योंकि बेरिश मोड में इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पर फ्लोकिनो आपको बाइनेंस में शायद दिख सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब जो पहली हलचल की है वो अब मायने रखने वाली है, क्योंकि इतनी सी चीज आसान है कि 3.5 लाख से ज्यादा फैन फॉलोइंग रखना और 3,90,000 को ये कॉइन को लिस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन जब भी लिस्ट होगा तो एक चीज तय है कि भाई पंप आपको एक बड़ा सा अच्छा सा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट में, मैं आपको एक टोकन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसका नाम है EPNS, अभी इसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया है पुश प्रोटोकॉल। अब आप सिंपली ये समझ लीजिए कि ये Web3 का आने वाला सबसे बेस्ट टोकन बन सकता है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है, ये जो यूज केस लेकर आया है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज कि अब ये कॉइन जो है मल्टी चेन में जा रहा है, और पहले ये सिर्फ इथेरियम बेस्ड था लेकिन अब ये और चेन में जाएगा, ब्लॉक चेन्स में। और सबसे जो चीज इसकी बेस्ट है कि जैसे आप मान के चलिए कहीं पे आपने लिक्विडिटी लगा दी है, आपने सेट कर दिया है प्राइस जहां पे मुझे बाइंग या सेलिंग करना है, तो आप जब भी कुछ ये प्रोसेस हो जाता है आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, वहां पर ये टोकन आपकी हेल्प करता है। और ये टोकन है, आपको कॉइन मार्केट कैप में आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल, और इतना ही नहीं है ऑलमोस्ट सारे बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट है, तो आप जाके एक बार चेक जरूर करना। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी बुले बटकी की हेल्प कर सकता है तो शेयर जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।